तो यार जैसा आप लोग जानते हैं यहाँ पर भाई हमारी फ्री फायर गेम के अंदर रोज़ रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती रहती, चाहे फिर वो यार यहाँ पर पिंग की प्रॉब्लम हो, लैग की प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे नेटवर्क कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम हो। तो बहुत सारे बंदों गेम के अंदर दिक्कत आती, कई दिक्कत जो यहाँ पर सर्वर इशू की वजह से होती, कई उनकी मोबाइल की दिक्कत होती है, पर बंदों को यार समझ नहीं आता भाई किस तरीके से हम इन सॉल्यूशन का इन प्रॉब्लम का हम लोग को सोल्यूशन मिलेगा, कैसे हम यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे बंदे यहाँ पर कमेंट करते भाई ये दिक्कत गेम के अंदर आ रही, ये हो गया है, ऐसा हो गया है, पर हमारी गेम नहीं चल रही, हम गेम को नहीं खेल पा रहे, हमारा इसकी वजह से रैंक माइनस हो गया है। तो बहुत सारी दिक्कतें बंदों को रोज़ रोज़ हमारी फ्री फायर गेम के अंदर आती रहती है। तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करें जो कि सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी फ्री फायर गेम की, जो है गाइज यहाँ पर हमारी नेटवर्क कनेक्शन एरर, जिसमें कि बहुत सारे बंदों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत सारे बंदों की गेम यहाँ पर ओपन नहीं हो रही, वहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा है। तो मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और फिर से आप अच्छे तरीके से यहाँ पर गेम खेल पाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आज की वीडियो को देखना है बिल्कुल एंड तक, जरा से वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी चैनल पर नया रहा है चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और भाई लोग आए दिन फ्री फायर गेम के अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर गेम के अंदर आती रहती, जिसको बहुत सारे बंदे जिसकी वजह से परेशान है। आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हो गए तभी आप यार इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर आए, क्योंकि आपको गेम के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आज की जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हमारी होने वाली है वो है गाइस यहाँ पर हमारी नेटवर्क कनेक्शन एरर, जो कि बहुत ही यार मतलब मेन प्रॉब्लम है, आए दिन बंदों गेम के अंदर ये आती रहती है, मतलब मेजर प्रॉब्लम गेम की बन चुकी है, जिसकी वजह से बंदे भाई गेम के अंदर एंटर नहीं हो पाते। मतलब उनकी गेम यहाँ पर स्टार्ट तो हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर वो जब लॉबी में पहुंचते हैं वहाँ टैप करते हैं तो उसके बाद उनकी गेम के अंदर वो एंटर नहीं कर पाते, नेटवर्क रिएक्शन एरर आता है, वहाँ पर सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से बंदे गेम नहीं खेल पाते। आजकल नया सीजन भी आया तो बहुत सारे बंदे बोल रहे थे इसकी वजह से रैंक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस इसके लिए बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, कुछ आपके लिए मैं टिप्स लेकर आया, यहाँ पर तीन चार टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से यहाँ पर गाइस आप लोग को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग आसानी से यहाँ पर इस प्रॉब्लम से यार छूट जाएंगे, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और फिर से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी गेम खेल पाएंगे। अच्छा, तो आप लोग करना क्या, जो कि आप में सारी अब टिप्स बताने वाला हूं, आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी, जिससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर भाई टिप नंबर वन के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर भाई टिप नंबर वन यहाँ पर है हमारी भाई सर्वर इशू। तो भाई सर्वर इशू बहुत मेन प्रॉब्लम है भाई हमारी गेम की, मतलब मेन थिंग है, मतलब कि यहाँ पर जो आपको पता है कि हमारी फ्री फायर गेम वो एक सर्वर के ऊपर चलती है, पूरे सर्वर में यहाँ पर हमारे सारे अकाउंट कनेक्टेड होते हैं। तो कई बार दिक्कत क्या होती है भाई लोग, यहाँ पर जो फ्री फायर का जो कि सर्वर होता है, कई बार किसी दिक्कत के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बंदों की आईडी के अंदर डिफेक्ट आता है, मतलब क्योंकि आईडी नहीं चलती है, गेम भी कई बार नहीं चलती है। बहुत जैसा आप लोगों ने देखा कई बार गेम के अंदर नया अपडेट आता है तब यहाँ पर होता है नेटवर्क कनेक्शन एरर, सर्वर विल बी रेडी सून, मतलब सारी दिक्कतें सर्वर एरर की वजह से आते हैं यहाँ पर आपके सर्वर की वजह से। ठीक है, तो बहुत सारे बंदों को बंदे सोचते भाई हमारे फोन में दिक्कत है, हमारे फोन के अंदर ही दिक्कत यहाँ पर आ रही है, पर ऐसा नहीं है। कई बार दिक्कत ये होती है कि आपके यहाँ पर सर्वर इशू यहाँ पर आता है गेम के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ क्रैश हो जाते हैं उनकी फाइल्स वगैरह, जिसकी वजह से गेम के अंदर ही दिक्कत आती है। पर गाइस ये हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ टाइम के अंदर आपको आपकी जो प्रॉब्लम होती है ठीक हो जाती है और आप लोग आपकी गेम जो है बहुत आसानी से फिर से यहाँ पर चलने लग जाती है। तो अगर आपको ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप एक दो दिन या कुछ घंटे तक वेट कर सकते हैं आप, क्योंकि ग्रेना वाले बहुत जल्दी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर कर देते हैं अगर उनके सर्वर की वजह से कुछ दिक्कत आती है। तो ये आपको अगर आपकी गेम के अंदर आपके सर्वर की वजह से दिक्कत आई है तो बहुत जल्दी आप लोग को इसका सोल्यूशन भाई लोग मिल जाएगा, मतलब कि बहुत जल्दी खुद ही ठीक हो जाएगी। बात कर लीजिए हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, तो जाइए दूसरा यहाँ पर पॉइंट हमारा एयरप्लेन मोड। तो एयरप्लेन मोड भाई हम लोग को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कई बार होता है कि जो कि हमारे फ्री जो कि हमारी यहाँ पर मोबाइल की सिम वगैरह होती है उनका डाटा होता है, वो किसी उन डाटा की वजह से वहाँ पर कुछ दिक्कत हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर कुछ कनेक्शन नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी बार नेट की स्पीड यहाँ पर कम हो जाती है, कभी बार ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से कई बार हम लोग को यहाँ पर अपना नेट जो है रिफ्रेश करना पड़ता है या फिर हम लोग को एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है। तो एयरप्लेन मोड ऑन करने से होता है कि आपकी दोनों सिम्स यहाँ पर बंद हो जाती है, तो आपको एक बार करना है आपको एयरप्लेन मोड ऑन करना है और फिर उसको ऑफ कर देना, आपकी सिम्स फिर से स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल आपको फ्रेश नेटवर्क यहाँ पर मिलता है। अगर आपकी कुछ ऐसी दिक्कत होगी, नेटवर्क की दिक्कत होगी, आपको सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, उसकी वजह से दिक्कत बहुत टाइम से बंदों गेम के अंदर आ रही, तब मैंने टॉपिक यहाँ पर डाला है कि यहाँ पर आपको एयरप्लेन मोड का यूज़ करना चाहिए। तो आप लोगों को एक बार करना है एयरप्लेन मोड ऑन करना है और एक बार उसको ऑफ करना है और आपको इस तरीके से यहाँ पर भाई इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल सकता है। जब आपका नेटवर्क रिफ्रेश होगा, अगर आपको इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा और फिर से आपकी गेम अच्छे तरीके से चल जाएगी और ये जो नेटवर्क कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम है फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारी तीसरी यहाँ पर पॉइंट है वो है गाइस यहाँ पर रीसेंट ऐप्स। तो बहुत सारे बंदे क्या करते क्या कि आप लोगों को पता है कि हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो उनको हम डेली यूज़ करते हैं, या फिर व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सारे ऐप्स को हम डेली यहाँ पर यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज
चलाते, कोई और भी गेम पबजी वगैरह भी हम यहाँ पर कभी कभी खेल लेते हैं। तो बंदे करते क्या है कि जो भी वो ऐप्स होते हैं उनको कभी वो हटाते नहीं, मतलब रिसेंट ऐप में वो सेव कर होकर रहते हैं, जो कि हम ऐप्स पहले हम चला कर हटे होते हैं वो रिसेंट ऐप्स में रहते हैं, तो उनको उठाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो उतना नेट यहाँ पर यूज़ करते हैं जितना वो खेलने के टाइम यूज़ करते हैं। रिसेंट में रहेंगे तब भी वो उतना ही नेट यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे गलती करते हैं सिर्फ जब कोई भी ऐप यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके बाद सीधे यहाँ पर फ्री फायर स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको नेटवर्क कनेक्शन एरर की दिक्कत आती है और वो सोचते भाई हमारा मोबाइल खराब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो कि आपके रीसेंट ऐप है उनको आपको हमेशा यहाँ पर भाई लोग हटाना, क्योंकि जो कि आपके रीसेंट ऐप है चाहे फिर पबजी खेल रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, कोई आपकी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तो उनमें आपका नेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो आपका नेटवर्क भाई जो कि आपका नेट यूज़ हो रहा है वो आपको एक जगह लगाना है फ्री फायर गेम के अंदर, तो इसकी वजह से वो कह रहा है कि जो कि आपके रीसेंट ऐप यहाँ पर रह रहे हैं उनकी वजह से सारा नेट आपका उरे परे जा रहा है, मतलब कि हर जगह यहाँ पर लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी फ्री फायर गेम को भाई पूरा डाटा नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि कुछ ऐसी दिक्कत गेम के अंदर हो जाती है, क्योंकि फ्री फायर यार एक ऑनलाइन गेम है तो उसको कई बार दिक्कत हो जाती है, इस इशू का सामना हम लोग को यहाँ पर भाई लोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से गेम के अंदर हम लोग को ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो हमेशा आप लोगों को करना है जब भी आप यहाँ पर फ्री फायर गेम खेल रहे हो उससे पहले आपको चेक करना है कि आपने रिसेंट ऐप सारे हटाए हैं नहीं हटाए हैं, ये आपको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, जिससे आपको दिक्कत फिर गेम के अंदर नहीं आएगी और काफ़ी आपकी गेम काफ़ी हद तक ठीक चलेगी, ठीक है। तो आपको फिर नेटवर्क कनेक्शन एरर की दिक्कत यहाँ पर वापस देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी गेम यहाँ पर नहीं चलती तो यहाँ पर भाई लास्ट एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ यहाँ पर आपकी मतलब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर इसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम भाई लोग ये ठीक हो जाएगी बहुत आसानी, जो कि मैं आपको तीन टिप्स बताएंगे इनका आप यूज़ अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, तो ये लास्ट टिप आने से पहले आप लोगों को बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर गाइस नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो एक बार चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जो यहाँ पर होने वाला है वो है लॉग आउट आईडी। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे करते क्या है, उनको मतलब ये गेम के अंदर दिक्कत आती रहती है। तो बंदे करते क्या है कि उनकी फ्री फायर गेम के अंदर कई बार यहाँ पर मतलब मोबाइल के अंदर कुछ वायरस वगैरह कुछ फ्री फायर आईडी के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब यहाँ पर भाई एक ऑनलाइन चीज़ है, तो यहाँ पर इसके अंदर दिक्कतें आना भाई सही बात है, मतलब कि दिक्कतें यहाँ पर आती रहती है। तो आप लोग करना है जब भी आपको नेटवर्क कनेक्शन एरर की दिक्कत आ रही है तो आपको अपनी जो फ्री फायर आईडी एक बार लॉग आउट कर देनी है, मतलब कि जैसे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है आपकी फ्री फायर की सेटिंग में जाकर वहाँ से लॉग आउट करना, शुरू में आपको स्क्रीन पर भी मिल जाता है, आप टैप करके गेम के अंदर एंटर करते हैं स्टार्ट का ऑप्शन पे, वहाँ पर भी आप लोगों को देखने मिल जाता है लॉग आउट का ऑप्शन। तो आपको उसके ऊपर भाई लोग क्लिक करना है लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आपकी जो गेम आईडी होगी वो लॉग आउट हो जाएगी आपकी, चाहे फिर कोई भी आईडी हो, गूगल की आईडी हो, फेसबुक की आईडी हो, गेस्ट अकाउंट से आप लोग खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे अलग अलग तरह के अकाउंट यहाँ पर यूज़ करते हैं, गूगल फेसबुक उसका कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि सब दिक्कत आपको गेम के अंदर एक ही चीज़ में आ रही है, मतलब गेम खेलने में आ रही है, तो अकाउंट कोई भी हो सकता है, जिससे भी आपने लॉग इन किया उससे आपको लॉग आउट करना है, आपको फिर से रिफ्रेश करके गाइस यहाँ पर मतलब गेम को आपको फिर बंद करना है, फिर से आपको यहाँ पर गेम को लॉगिन करना है बहुत आसानी से, आपकी जो दिक्कत है ठीक हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जो आप लॉग आउट करते हैं तो आपकी आईडी फिर से एक बार खुल जाती है और रिफ्रेश होकर फिर से खुलती है। तो मतलब कुछ भी आपकी दिक्कत है, सर्वर इशू वगैरह आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सारी दिक्कत में से कुछ भी आपके गेम के अंदर आ रहा है नेटवर्क वगैरह, तो वो आपकी काफ़ी हद तक यहाँ पर ठीक हो जाएगी, आप लोगों को नेटवर्क कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और फिर से आप लोग यार बहुत आसानी से यहाँ पर गेम खेल पाएंगे। सो गाइस यार कुछ इस तरीके से आज की वीडियो में आपको चार पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए, इनका यूज़ आप करेंगे तो आपको नेटवर्क कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम फिर से गेम के अंदर काफ़ी हद तक देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस यार कुछ इस तरीके से आज की वीडियो, तो मित्रों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस यार आज के लिए बस इतना था, मिलते हैं और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।